हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो चिंताएं बढ़ा रहे हैं। एक और मामला रेवाड़ी से सामने आया, जहां पर कि कुछ बदमाशों ने सरेआम एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, तो वहीं सोनीपत में भी सरपंच की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। आपराधिक मामलों को देखते हुए शांत पड़ा रेवाड़ी का धारूहेड़ा कस्बा एक बार फिर गोलियों की आवाजों से थर्रा उठा, जब एक युवक पर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तस्वीरों में बदमाशों के बुलंद हौसले तो देखिए कि किस तरह युवक पर एक के बाद एक पांच गोलियां दागी गयी और बदमाश मौके से फरार हो गए। मामला सेक्टर 4 स्थित वाल्मीकि मोहल्ले का है, जहां एक युवक घर के बाहर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी बाइक सवार कुछ बदमाश वहां आए और युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली, जिसके बाद गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं सोनीपत में भी उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव करेवड़ी के सरपंच नरेश पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। नरेश पर 10 से 12 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 7 गोलियां नरेश को लगी, जिसके बाद नरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीमें भी मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी गयी। गाँव का सरपंच नरेश, जो अभी मौजूदा सरपंच है, जिसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। कितनी गोलियां मारी गई है सर? अभी उसकी डेड बॉडी तो मौके पर 7 गोलियों का पता चलेगी, 7 उसको लगी है, ब्रो डेड का उसका रुका आया है। अच्छा। जो रेलवे फाटक के ऊपर जिसकी मर्डर कर दिया गया सर, पीछे कारणों का पता चला हो अभी शुरुआती जांच? अभी तक तो जांच चल रही है, टीमें हमने लगा रखी है, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। फिलहाल दोनों की मामलों में पुलिस जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। नितिन अंतल, सोनीपत, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।